हर साल धूमधाम से मनाई जाने वाली श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भी कोरोना की भारी मार पड़ी है। इस बार भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी हर उन त्योहारों की तरह फीकी नजर आ रही है जो कोरोना काल में मनाए जा रहे हैं। भगवान लड्डू गोपाल में आस्था रखने वाले करोड़ों भारतवासियों को इस बार बेहद निराशा हाथ लगी है। इस बार न तो मंदिरों के कपाट खुल पाए और न ही भगवान कान्हा की सुंदर झांकियां निकाली जा सकी। डांडिया का जो खेल आधी रात को खेला जाता था, वो भी कोरोना ने अपनी आगोश में ले लिया है। कोरोना की मार इन त्योहारों पर कुछ इस कदर पड़ी कि भगवान में आस्था रखने वाले लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। बावजूद इसके भले ही मंदिरों के कपाट बंद हो, भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी के दर्शन ना हो पा रहे हो, फिर भी लोग अपने अपने घरों में भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मना रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों द्वारा भगवान श्री कृष्ण की झांकियां भी निकाली जा रही हैं। वासुदेव के द्वारा श्री कृष्ण को लेकर नदी पार करते हुए भी दिखाया गया और जन्माष्टमी के पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।